सत श्री अकाल, मैं प्रदीप सिंह तंजल, तुहाडा जावास्क्रिप्ट इंस्ट्रक्टर। इस लैक्चर दे विच असीं गल करांगे जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स बारे, और असीं देखांगे कि इन्हां ऑपरेटर्स नूं असीं प्रोग्रामिंग दे विच किस तरह यूज कर सकदे हां। सो आओ स्टार्ट करिए। सब तो पहला असीं नोटपैड ओपन करके इहदे विच इक छोटा जिहा प्रैक्टिकल प्रोग्राम लिख के देखदे हां। सो स्टार्ट करदे हां। सब तो पहला HTML, उस तो बाद हेड एंड टाइटल, और टाइटल दे विच मैं यूज कर रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर एंड टाइटल क्लोज। जो भी थोड़ा प्रोग्राम चलेगा टाइटल इस नाम के उत्ते डिस्प्ले हो जाएगा, इतने हेड वन एंड बॉडी स्टार्ट। और बॉडी से भी तुसी और टैग भी यूज कर सकते हैं, जिवें बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर है। उस तो बाद इतने असी H1 यूज कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी साडा प्रोग्राम यूज करे तो उन्हें पता लग जाए कि असी किस प्रोग्राम की आउटपुट दिखा रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर H1। सो हुण मैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम वाला आना, इत्थे असी स्क्रिप्ट टैग शुरू करना है। लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट स्पेस टाइप इक्वल टू स्लैश जावा स्क्रिप्ट एंड क्लोज। ये दो वेरिएबल लवांगा मैं, वेर ए इक्वल टू मैनू रफली 7 पास कर देना, और तुसी एक लाइन दे विच भी ले सकदे। इस तरह दूसरा वेरिएबल मैं टोटल लिया और टोटल मैं पास किया 21। वक् वक् भी ले सकते हैं, मैं एक लाइन दे विच कॉमा पा के दोवां वेरिएबल्स नूं वैल्यू असाइन कर दी। सो इत्थे बड़ा सिंपल ते सौखे तरीके नाल आपां एक लॉजिक लगावांगे, जिवें डायरेक्टली असीं डिस्प्ले करवा देंगे और डायरेक्टली सानूं पता लग जाएगा कि वैल्यूज की आ रही हैं। सपोज डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ द टोटल, वन एंड प्लस प्लस इज द कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो कि दोनों नू जोड़ देता है। सो इतने मैं लिखागा टोटल प्लस इक्वल टू एंड की होएगा कि प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस ए प्लस। मैं एक बीआर टैग यूज करके ब्रेक लगा दूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ द टोटल इन केस ऑफ टोटल इक्वल टू प्लस सो बाद टोटल माइनस इक्वल टू ए प्लस सेम
बी आर टैग में यूज कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट दिस थिंग एंड क्लोज। थर्ड साड़ी कोड असाइनमेंट ऑपरेटर है मल्टीप्लाई असाइन। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ द टोटल इक्वल टू प्लस टोटल मल्टीप्लाई टू प्लस वही ऐसी फिर बी आर टैग यूज किए थे फॉर ब्रेक पर्पस। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेक्स्ट टैग साइड को है डिवाइड वाला, डिवाइड असाइन वैल्यू ऑफ द टोटल इक्वल टू एंड प्लस टोटल डिवाइड इक्वल टू एंड प्लस सेम एज इट इज बी टैग और ब्रेक एंड टर्मिनेट। लास्ट वन डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ द टोटल इक्वल टू प्लस टोटल मॉडुलस इक्वल टू प्लस फिर इतने बी आर टैग फॉर ब्रेक। लास्ट विच बी आर टैग तुसी दे सकते हो, नहीं देना ये ऑप्शनल है, दे भी सकते हो ते स्किप भी कर सकते हो। स्क्रिप्ट क्लोज उसके बाद क्लोज एंड एचटीएमएल क्लोज। सो मैं सेव करता हूँ पहले। असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट एच टी एम सेव। उस तो बाद मैं ओपन कर दूँ, देखिए कि रिजल्ट आ रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर वेरी गुड, ओके रिजल्ट साढ़े को देखो। असाइनमेंट ऑपरेटर का जो रिजल्ट है सब तो पहला एडिशन था 21 प्लस 7 28, दूसरा साइड कोल है माइनस था 21 तीसरा है मल्टीप्लाई था फिर डिवाइड है फिर मॉडुलस है। साइड को इस तरीके साइड को जो रिजल्ट है वो इतने शो करेगा। ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 25, ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੇਵ ਐਂਡ ਰੀਫਰੈਸ਼। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 30 25 125 25 जीरो। जिन्नी भी टोटल दी वैल्यू आएगी टोटल दी वैल्यू दे विचों लैस होएगा। टोटल दी वैल्यू कितनी होगी 30, 30 दे विचों 5 गए 25 25 नु फिर 5 नाल गुणा कीता राइट, फिर उस तो बाद डिवाइड कीता ते उस तो बाद मॉडुलस फाइंड कीता। इस तरीके दे नाल जिन्नी भी वैल्यू आएगी वो थोड़े सामने तो शो हो जाएगी। तुम इन चेंज करके देख सकते हो,
कोई एडी दिक्कत वाली गल नहीं है, बहुत आसान है। सब तो पहला टोटल दी वैल्यू की हो जाएगी 30। हम टोटल दी वैल्यू की होगी 30 हो गई थे, और नेक्स्ट विच की करता है टोटल इक्वल टू टोटल माइनस ए। टोटल दी वैल्यू 30 है, ए दी वैल्यू कितनी है 5000, तो इतनी वैल्यू की आ जाएगी 25। राइट, हम टोटल दी वैल्यू इतनी की होगी 25। हम की कहता है टोटल मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू ए। हम टोटल दी वैल्यू 25 है, 25 × 5 125 करेक्ट हो गया, 125 आ गए थे। हम टोटल दी वैल्यू 125 है, 125 / 5 ऐसे साइड को रिजल्ट शो करता पे, डिवाइड बाय 5 25। राइट, एंड मॉडुलस 25 का मॉडुलस कितना आएगा 5 0। तो साढ़ा जरा इस तरीके असाइनमेंट ऑपरेटर साढ़े असी यूज कर सकते हैं। सो इस लैक्चर के विच इन्ना ही है। मैं आस करदा कि तुहानू इस लैक्चर के थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर समझ लग गए होंगे, और इस प्रैक्टिकल रूप के विच तुसी भी प्रैक्टिस करके देखनी। सो अज दे इस लैक्चर विच इन्ना ही। चैनल नू प्लीज़ जरूर सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैनू भी हौसला मिले तो मैं तुहाडे लई वधिया तो वधिया लैक्चर बना के तुहाडे रूबरू होवां। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।